डबल डोर फ्रिज, कस्टमर का शिकायत है कि ऊपर नीचा कूलिंग नहीं हो रहा है, आगे से पानी चू रहा है। ये डबल डोर फ्रिज है, गोदरेज का है, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए गोदरेज का, ये पीछे आ गई हैं। इसमें कोई टेक्नीशियन गैस चार्ज किया था जो अधिक गैस डाला था, अधिक गैस डालने के कारण सेक्शन पे आइस जम रहा था, कूलिंग नहीं हो रहा था और आगे साइड पानी चूरा था, ऊपर नीचे कूलिंग कुछ नहीं हो रहा था। ये देखिए सेक्शन पे बहुत ज़्यादा आइस था, इनको बंद किए थे फिर चालू किए थे, देखें आइस आ रहा है। ये टाइमर उमर देख रहे हैं, जो भी है वो सब पानी में छूटा हुआ, उससे करंट आने के दिक्कत है, कैपेसिटर उपेसिटर सब उसी तरह छोड़ दिया है। ये एम्पियर मीटर लगाएं, देखते हैं कितना एम्पियर उठा रहा है। चलिए गेज मीटर लगाते हैं। ये गेज मीटर, इसमें गैस था आपका 10 प्रेशर दिया हुआ था, रनिंग 10 प्रेशर दिया हुआ था, 600 नंबर गैस है, वो बहुत अधिक था। 600 नंबर गैस 0 से 1 पॉइंट ऊपर रहता है, या 0 रखिए। इसमें गैस कम किए तो देखिए ये आइस आना बंद हो गया है, अभी और कम होगा गैस, 0 रहेगा, -30 से +0 में ले जाइएगा 600 नंबर आगे गैस से, तो ये 0 से देखिए अभी भी ऊपर है, और कम करेंगे गैस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गैस अधिक डाला हुआ है, गैस आप 0 रखिए, 0 से 1 पॉइंट ऊपर भी रखिएगा चलेगा। ये देखिए ऐसा ये रहा, इनको कम कर देंगे पूरा, 0 पे ले आएंगे तो गैस ये ऐसा ना आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर कूलिंग आपका प्रॉपर होगा, ऊपर नीचे दोनों बराबर कूलिंग होगा। ये देखिए गैस निकाल रहे अभी इसका हम, ये देखिए आधा आइस ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत है, अभी और निकलेगा इसमें गैस, आराम आराम से निकालिए, कोई धरफाने की बात ना है, नहीं तो गैस पूरा निकल जाएगा, फिर गैस भरिए।